नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके लिए चैनल फिनोवेशन। मिस्टर फूड्स में ऐसा क्या चल रहा है कि जिसके चलते इस कंपनी के शेयर जबरदस्त एक रिटर्न दे रहा है। मिस्टर फूड्स को लेके देखेंगे तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है मिस्टर फूड्स का, इनका कहना है कि कंपनी का जो बिजनेस है इसको बहुत ज्यादा आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर बिजनेस जो है इसको बहुत ज्यादा आगे जो है जंप कर सकते हैं। कंपनी यहाँ पे बहुत सारे एक्विजिशन भी कर सकता है मिस्टर फूड्स। मिस्टर फूड्स का जो Q4 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है, जहां पे कंपनी का बिजनेस एक जबरदस्त जंप हुआ है, प्रॉफिट जंप हुआ है, रेवेन्यू भी जंप हुआ है। तो अभी यहाँ पे मिस्टर फूड्स का जो मैनेजमेंट है इनके ओर से बहुत सारे एक्विजिशन भी कंपनी कर सकता है। तो शेयर का प्राइस देखिए 16.01 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी, और हो सकता है कि शेयर जो है यहाँ से भी तेजी बनाए, यहाँ से भी रिटर्न दे। तो क्या चल रहा है मिस्टर फूड्स के शेयर में, टेक्निकली मिस्टर फूड्स का शेयर कैसा है, कंपनी में क्या चल, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को पूरा बने रहिए, कि फिर स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनोलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात। मिस्टर फूड्स का शेयर दोस्तों अभी 16.01 पैसे में जो है ट्रेड कर रहा है। तो 16.01 पैसे में मिस्टर फूड्स का शेयर ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले शेयर का प्राइस में जबरदस्त तेजी बनाया था और शेयर का प्राइस जो है लगभग 25-26 रुपीज तक भी पहुंच गया था। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन लोगों ने मिस्टर फूड्स के शेयर में ज्यादा प्राइस में खरीदारी करके रखा है। मिस्टर फूड्स का शेयर यहाँ पे एक दिन में देख सकते 1.2% जो है शेयर का प्राइस रिटर्न दिया है, और यहाँ पे एक हफ्ते में 2.8% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है, और वन मंथ में देखेंगे तो 11.3% शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। मिस्टर फूड्स जो इसका Q4 में जो उसने एक डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो बहुत ही जल्दी ये डिविडेंड भी इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है दोस्तों। अभी यहाँ पे मिस्टर फूड्स का जो बोलते की जो ड्यूरेबिलिटी है देख सकते हैं, जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है ठीक मतलब है उतना ज़्यादा नहीं है, जो कि 25 है आउट ऑफ 100। वैल्यूएशन की बात करते हैं 48.30 है आउट ऑफ 100, मोमेंटम 43.30 है आउट ऑफ 100। तो मिस्टर फूड्स का शेयर अभी यहाँ पे जो वन मंथ में है शेयर का प्राइस 19.10 पैसा एक हाई प्राइस बनाया था, और जो लो प्राइस बनाया था 13.73 पैसे। मिस्टर फूड्स का दोस्तों यहाँ पे एक हफ्ते में बात करते हैं 73 पैसे का। कंपनी जो है यहाँ पे मिस्टर फूड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बोल सकते हैं कि मिस्टर फूड्स को जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी यहाँ पे बोल सकते हैं। कंपनी का जो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है मिस्टर फूड्स का, जो कि 1,652.6 करोड़ का जो है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी ने अभी जो यहाँ पे कंपनी का Q4 में एक अच्छा खासा जो इसको बिजनेस हुआ है, और टेक्निकली बात करते हैं शेयर का, टेक्निकली शेयर जो है मिस्टर फूड्स का जो कि न्यूट्रल लेवल पे जो फिलहाल मिस्टर फूड्स का शेयर चल रहा है, न्यूट्रल लेवल पर आता हुआ को मिल रहा है। RSI इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे है। MACD इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एक बेयरिश लेवल यहाँ पे बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। देखिए शेयर होल्डिंग की बात करते हैं मिस्टर फूड्स का, जो प्रोमोटर्स है प्रोमोटर्स के पास 49.82% का स्टेक था, थोड़ा बहुत स्टेक जो है अभी प्रोमोटर्स ने रिड्यूस किया है, 48.38% का स्टेक जो है फिलहाल अभी प्रोमोटर्स के पास है। FIS के पास 5.02% का स्टेक है, और जो पब्लिक है पब्लिक के पास 46.6% का। मिस्टर फूड्स का जो Q4 का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया है, जहाँ पे कंपनी को बोल सकते कि जो इसका जो बोल सकते कि ईयर ऑन ईयर जो है नेट प्रॉफिट जो है 567% ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है मिस्टर फूड्स का दोस्तों। एंड यहाँ पे बात करते जो इसका कंपनी का जो है ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड 2 न्यू सब्सिडरीज एंड अनाउंस्ड प्लान्स टू एस्टेब्लिश गेन बेस्ड एथनॉल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन गुजरात। तो यहाँ पे जो है कंपनी 2 नए सब्सिडरी को ऐड किया है, एंड कंपनी जो है यहाँ पे मिस्टर फूड्स जो है यहाँ पे बहुत ही जल्दी गुजरात में जो है मिस्टर फूड्स जो बोल सकते कि एथनॉल बेस्ड जो इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है वो गुजरात में शुरू करने वाला है। मिस्टर फूड्स के ओर से बताया जा रहा है कि कंपनी जो यहाँ पे काम कर रहा है कुछ एक्विजिशन के लिए, जो एक्विजिशन डोमेस्टिकली और ओवरसीज मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर भी ये सब एक्विजिशन हो सकता है मिस्टर फूड्स के ओर से। तो यहाँ पे बोलते हैं कि मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग है, मैनेजमेंट का जो कहना है कि कंपनी जो यहाँ पे एक्विजिशन कर सकता है आगे चल के। अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, मेट्रिक्स ऑफ द कंपनी जो कि इंक्रीज हुआ है, ROE इंक्रीज हुआ है 36.17% से इंक्रीज होकर 39.72% हुआ है। ROCE जो है इंक्रीज हुआ है 38.45% से इंक्रीज होके 46.44% हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का ROE ROCE इंक्रीज हुआ है,
नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, 6.30% से इंक्रीज होकर 7.68% हुआ है दोस्तों। तो मतलब बोल सकते हैं कि कंपनी का शेयर जो है अभी जैसे कि आप 16 रुपीज के आसपास शेयर चल रहा है, हो सकता है कि दोस्तों शेयर आगे चल के एक तेजी बनाए। वेस्टर्न फूड जो है आप Q4 24 में एक जबरदस्त जो इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जिसके चलते कंपनी के शेयर में एक तेजी बन रहा है और कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट भी यहाँ पे हो सकता है कि आगे चलते कुछ कंपनीज को खरीदे, यहाँ पे एक्विजिशन करे। अभी FIS जो है, FIS के पास देख सकते हैं मिस्टर फोर्स का 2.23% का स्टेक था। FIS ने यहाँ पे जबरदस्त स्टेक इंक्रीज किया है, 5.02% का स्टेक किया है। वही दोस्तों बात करते हैं जो मतलब मिस्टर फोर्स का जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स जैसे मिस्टर फोर्स के में जो है लगभग 47.95% का स्टेक था, और जो रिटेल शेयर होल्डर्स है, रिटेल शेयर होल्डर्स ने अपने स्टेक रिड्यूस करके 46.60% का किया है। वही बात करते हैं जो प्रोमोटर्स है दोस्तों, प्रोमोटर्स के पास जो है लगभग अभी 48.38% का स्टेक है, 48.30% का स्टेक है प्रोमोटर्स के पास। प्रोमोटर्स ने थोड़ा बहुत स्टेक जो है रिड्यूस किया है। एंड बात करते हैं जो दोस्तों यहाँ पे कंपनी का जो मतलब अभी फिलहाल जो शेयर में देखने को मिल रहा है, टेक्निकली शेयर एक न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल चल रहा है। देखिए बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस जो है फिलहाल अभी मिस्टर फोर्स के शेयर में नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है। अभी कंपनी का मिस्टर फोर्स का एक दिन का देखते हैं दोस्तों, तो एक दिन में जो है ये शेयर आप देख सकते हैं जो एक लो प्राइस बनाया है मिस्टर फोर्स के शेयर ने जो कि 15.73 पैसे का है, और जो हाई प्राइस बनाया है 16.90 पैसे का। और यहाँ पे बात करते हैं जो 50 डे का लो प्राइस है 7.91 पैसे का, और 50 डे का जो हाई प्राइस है 26.36 पैसे का। दोस्तों 1 मंथ में मिस्टर फोर्स के शेयर ने 10.57% जो है शेयर डाउन हुआ है। एंड 3 मंथ में बात करते हैं तो 21.57% शेयर डाउन हुआ है, मिस्टर फोर्स के शेयर का प्राइस डाउन हुआ है। 1 ईयर में 90.14% का रिटर्न दिया है मिस्टर फोर्स के शेयर ने। तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि कंपनी जो है फिलहाल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का मतलब फाइनेंशियली बोल सकते हैं कि उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है मिस्टर फोर्स अभी। और यहाँ पे मिस्टर फोर्स का जो मैनेजमेंट है, इनका कहना है कि कंपनी जो है जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एक्विजिशन भी कंपनी ने किया है, 2 नए सब्सिडियरीज एड हुआ है, गुजरात में एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कंपनी शुरू कर रहा है, तो बिजनेस बोल सकते हैं कि यहाँ पे जबरदस्त है मिस्टर फोर्स का दोस्त। और कंपनी आगे चल के भी जो है यहाँ पे कुछ एक्विजिशन कर सकता है, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर कुछ एक्विजिशन मिस्टर फोर्स कर सकता है। टेक्निकली शेयर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, न्यूट्रल लेवल पे फिलहाल चल रहा है। FIS देख सकते हैं यहाँ पे एक जबरदस्त जो स्टेक FIS ने इंक्रीज किया है, अच्छा खासा यहाँ पे FIS ने खरीदारी करके रखा है। रिटेल शेयर होल्डर्स ने स्टेक यहाँ पे रिड्यूस किया है। मिस्टर फोर्स का जो शेयर का प्राइस है जो कि 26.36 पैसा, इसका 26.36 पैसे के आसपास जो इसका एक 50 डे का हाई प्राइस है, उससे बहुत ज्यादा नीचे जो है शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 16.03 पैसे या फिर 16 रुपीज के आसपास। तो 50 डे के हाई प्राइस से बहुत ज्यादा नीचे शेयर का प्राइस ट्रेड कर रहा है, 50 डे के जो लो प्राइस है 7.91 पैसा, उससे बहुत ज्यादा जो है शेयर का प्राइस अभी चल रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई खरीदारी करता है मिस्टर फोर्स के शेयर में दोस्तों, तो हमें लगता है कि छोटा मोटा टारगेट प्राइस रखना चाहिए, फिलहाल बहुत ज्यादा टारगेट प्राइस वगैरह जो है मिस्टर फोर्स के शेयर में नहीं रखना चाहिए ऐसा हमें लगता है। आपको कैसा लगता है मिस्टर फोर्स का शेयर, जरूर आप हमें कमेंट करके बताइए। डिस्क्रिप्शन देना चाहेंगे दोस्तों, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि कोई भी शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बिना विश के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।